सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज आपका न्यू वीडियो में स्वागत है। और अगर आप एक यूट्यूबर है तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि एक यूट्यूब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर नहीं है तब भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब जो एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है यूट्यूब, वो हम कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या नए फीचर आए हैं वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, इस मोबाइल में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे साइड में देख लेना। अभी थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और मैंने कर ली है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो अभी 2 सेकंड 1 सेकंड और ये स्टार्ट। तो जैसे कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि यूट्यूब ने क्या क्या अपडेट किया है 2020 के नवंबर मंथ के अंदर, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मतलब नवंबर में नहीं, इसी महीने में अक्टूबर में ही इसका अपडेट आया है और आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे इसको। तो कैसे आप इसको यूज़ करोगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी यहाँ पर जो प्लस का बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी अक्टूबर के अंदर ये नया फीचर आया था। और वीडियो अपलोड भी आप यहीं से कर सकते हैं और आप लाइव यहीं से कर सकते हैं यूट्यूब पे। लाइव करने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग्स में मेन फीचर क्या है, जैसे कि आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, जैसे कि ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो इसका मैं साउंड थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये वीडियो प्ले कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा ऊपर स्वाइप अप करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसको वापस से ऐसे स्वाइप अप कर दोगे तो ये वापस से हाफ स्क्रीन हो जाएगी, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। नीचे स्वाइप अप करना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन पे वीडियो चल रही है। और अगर आपको नीचे स्वाइप अप करते हो तो ये वापस से हाफ स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हाफ स्क्रीन पे आ गई ही। ये था सेकंड, मतलब इसका फीचर। और क्या फीचर है, जैसे कि वीडियो चल रही है और इसका सबटाइटल देखने के लिए आपको पहले बहुत अंदर तक जाना पड़ता था, और अब आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको सबटाइटल देखना, मतलब कैप्शन देखना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो सबटाइटल कैन नॉट ऑन इंग्लिश, इस पर कोई सबटाइटल नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस पर सबटाइटल आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और सेकंड इसमें क्या है कि ये वीडियो पूरा होने के बाद अगर आप ऑटोमेटिकली अगली वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो पहले हमें ऑन करना पड़ता था, नीचे ऑप्शन आता था, अब वीडियो के ऊपर ही आ गया। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटो प्ले इज़ ऑफ हो गया अब, और इसको ऑन करेंगे तो ऑटो प्ले इज़ ऑन, मतलब नेक्स्ट वीडियो अपने आप इसमें चलने लगेगी ये वीडियो पूरा होने के बाद। ये था इसका फीचर। और आगे और क्या अपडेट हुआ है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको जैसे कि ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे और टिकटॉक की तरह इसको स्वाइप अप कर सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं इसके ऊपर। ये फीचर मुझे काफ़ी कमाल का लगा। और देखते इसके अंदर क्या क्या फीचर आए हैं। वीडियोज़ का मैंने बता दिया, शॉर्ट वीडियोज़ का बता दिया, और जो प्लस का निशान था वो बता दिया। और पहले यहाँ पर ट्रेंडिंग का ऑप्शन आता था होम के साइड में, अब कैसे देखेंगे जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं, एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, इस ट्रेंडिंग पे क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं हम ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है। तो ऐसे ट्रेंडिंग वीडियो हम देख सकते हैं कि ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है। तो इस प्रकार के फीचर आए हैं ना, और कोई खास फीचर नहीं आए हैं, और भी आगे अपडेट आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी प्रकार के अपडेट मैं लेकर आता रहूंगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।